हेलो गाइज, आप सभी दर्शकों को हरियाली अमावस्या पर मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है और हरियाली अमावस्या पर हम जा रहे हैं भीलवाड़ा का फेमस हनी महादेव का मंदिर, और दिखाएंगे आपको आज के ब्लॉग में हनी महादेव का मंदिर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हनी महादेव के मंदिर में अभी मेला भी लगा हुआ है, सावन का महीना चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में और दिखाते हैं मेले का नज़ारा। फाइनली हम आ चुके हैं हनी महादेव के मेले में। सबसे पहले हम मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं और दिखाते हैं अंदर मंदिर का नज़ारा। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी पब्लिक हो रही है यहाँ पे। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर में, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस। हम भी लाइन में लग जाते हैं। मंदिर तक पहुँचने में हमको करीबन आधा घंटा लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। फाइनली हम मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। बहुत बड़ी लाइन है जैसा कि आप देख सकते हो। मंदिर के मेन दरवाजे के सामने नंदी की स्थापना की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। महिला है इसमें बिलपत्र चढ़ा रही है, पुष्प अर्पण कर रही है। फाइनली हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का नज़ारा। बहुत बड़ी लाइन होने के बावजूद हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। यह भीलवाड़ा का फेमस हनी महादेव का मंदिर। मंदिर में बहुत ही बढ़िया सजावट की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो गाइज। यह है हनी महादेव का मंदिर। पंडित जी से लच्छा और तिलक लगवा लिया है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो। इस मंदिर के सामने एक मंदिर और भी है, हम जा रहे हैं उस मंदिर में और दिखाते हैं उस मंदिर के अंदर का नज़ारा। बने रहना हमारे वीडियो के साथ में। यहाँ से मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का नज़ारा। हजारों पब्लिक होने के बावजूद भी यहाँ मंदिर में कितनी शांति और कितना उल्लास से पब्लिक के अंदर देख सकते हो आप लोग। बाबा भोलेनाथ का मंदिर, जैसा कि देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर मंदिर है। भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा देख सकते हैं आप लोग। आप देख सकते हो मंदिर के अंदर अनेक भगवान की मूर्तियों की स्थापना की हुई है, और कितनी सुंदर मूर्तियां हैं देख सकते हो आप लोग। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा देख सकते हो आप लोग। अब चलते हैं मेले के अंदर और दिखाते हैं मेले का नज़ारा। दोस्तों कितना सुंदर मेला है आप देख सकते हो।
मेले में रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्तों की दुकान लगी हुई है, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। मेरी गुड़िया ने मेले में से शानदार चश्मा खरीदा है, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। मानस कौन सी लिया चश्मा? ये। हाँ? ये लिया क्या? हाँ? मेले में छोटे बच्चों के उछल कूद करने के लिए झूला लगा हुआ है, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। बच्चे इसमें उछल कूद कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, और खूब मजा ले रहे हैं बच्चे, जैसा देख सकते हो आप लोग। कितना मनोहर दृश्य और कितना आकर्षक, कितना ब्यूटीफुल, कितना क्यूट। छोटे बच्चे के लिए खेलने के लिए गुड़िया की दुकान, देख सकते हो आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।